हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राजेश सर, आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए एनवायरनमेंट, हम लोग सब एक घर में रहते हैं और ये घर क्या है, ये घर हमने अपने लिए एक एक जोर जबरदस्ती अपने लिए एक एनवायरनमेंट हमने बनाया, एक ऑलरेडी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अंदर रहने के लिए, ताकि हम बारिश धूप गर्मी तूफान भूकंप से बच सकें। लेकिन जाने अनजाने हम लोग खुद अपने ही बनाए गए कर्मों का फल आज भुगतते हैं, जब हम लोग एनवायरनमेंट जैसी पवित्र जगह को एक ऐसा परिवेश जिसने हमें क्या नहीं दिया है, हमारे शरीर का एक एक हिस्सा, ठीक है, चाहे वो भोजन हो, हमारा शरीर में बनने वाली कोई भी हड्डी हो, मांस हो, कुछ भी हो, हर चीज प्रकृति की देन है, हर चीज प्रकृति की देन है। और इस प्रकृति को ऐसे कई बार ऐसा हुआ है जब हमने अपने स्वार्थ के लिए इसको बर्बाद करने की कोशिश की है और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इस चीज को रोकने के लिए और इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी आप अपने हिस्से की जिंदगी तो जिए, साथ साथ आपके आने वाली जो जनरेशन है वो कम से कम अपने हिस्से की जिंदगी सुकून से जी सके। इसके लिए कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है सिर्फ अपने पर्यावरण को ऐसे स्वार्थी और मैंने लोभी लोगों से बचाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, इसलिए आज हम अपने हिस्से की जिंदगी जी पा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने पर्यावरण को बचाएं। ये कितना जरूरी है ये जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को टटोलना होगा, इतिहास में पीछे जाना होगा और देखना होगा कि किस तरह के त्याग और बलिदान से, ठीक है, एक वो चीज जो चल नहीं सकती, ठीक है, जिस जगह पर खड़ी है उसे आगे नहीं जा सकती, लेकिन हमारे पूरे जीवन के विकास के लिए, पूरे जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, जीवित जीवित रहने के लिए उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जिसने एक पर्यावरण को नया आयाम दिया, लोगों ने अपना बलिदान देके, उनके बारे में जानना जरूरी है। इसलिए भी क्योंकि हम सब इंसान हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे, इसके लिए जानिए, इससे प्रेरणा लीजिए। और इसलिए भी कि WB TET 2023 के सिलेबस में ठीक यही लाइन लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल रिलेटेड हिस्टोरिकल इवेंट्स, इनको जानना बहुत जरूरी है, यहां से इस बार सवाल जरूर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक घटनाएं और देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला जो फैक्ट्स हैं इनको जानने और समझने से पहले कुछ डेट्स जो है हम उनको जान लेते हैं, क्योंकि ये डेट्स बहुत जरूरी है अपने आप में और इसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं और इसी से रिलेटेड है। सबसे पहला जो है जो हमें यहाँ पे देखना है वो है वर्ल्ड वेटलैंड, यानी जो दलदली मैदान है, जिसके बारे में मैंने फिजिकल और सोशल एनवायरमेंट में इनको पढ़ाया था कि विकास के नाम पे फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट हमने लगभग 50% से भी अधिक दलदली मैदान, जो कि बहुत जरूरी है पर्यावरण के लिए, हमने उसको विकास के बलि पे चढ़ा दिया है। और यही वेटलैंड को बचाने के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, ये कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ऑन दिस डे इन 1971 को इसी दिन क्या हुआ था, द रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाज साइन हुआ था, रामसार कन्वेंशन के वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो दलदली मैदान है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे इसका क्या महत्व है। द रामसार कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, एक संधि है सुरक्षा के लिए, कंजर्वेशन के लिए और सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स की, दलदली मैदान को किस तरह से हम अपने लिए भी इस्तेमाल करें, आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ के रखें, ठीक है। नोन एज, इसे कहते हैं कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसार, जो कहां पे है, ईरान में है, बट द कन्वेंशन वाज साइन 1971 में साइन हुआ था। अब वेटलैंड क्या होता है, एक ऐसा जमीन का टुकड़ा सैचुरेटेड विथ वाटर, जो पानी से भरा हुआ है, द प्राइमरी फैक्टर दैट वाटर बॉडीज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स वेजिटेशन ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एडाप्टेड टू द यूनिक हाइड्रिक सोयल। तो यहाँ पे क्या होता है, चूंकि पानी से भरा होता है, दलदली मैदान होता है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे जो है पानी और मिट्टी की उपस्थिति में अच्छी तरह पनप पाते हैं, एक वर्षावन जैसा, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह जो है पूरा एरिया जो जंगल में परिवर्तित हो जाता है, जो बहुत जरूरी है वहां के इकोसिस्टम के लिए। वेटलैंड्स प्ले अ नंबर ऑफ रोल्स इन द एनवायरमेंट, बहुत सारी भूमिका है इसकी, खास करके पानी को प्यूरिफिकेशन करने के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, फ्लड को रोकने के लिए, कार्बन को सिंक यानी कार्बन की मात्रा जो हवा में होती है इसको सोखने के लिए, एंड शोरलाइन स्टेबिलिटी यानी जो समुद्र का जो किनारा होता है, जैसे जैसे कि आपके
पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन पे जहाँ पे मैंग्रोव के पौधे हैं, ये क्या है? वेटलैंड तो है। मैंग्रोव का जो पूरा पौधा है पानी के नीचे ही तो रहता है, ये पानी के अंदर क्या होता है, वेटलैंड तो है। ये सुनामी से उस एरिया की रक्षा करता है बाढ़ आने पे। वेटलैंड्स आर द मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स ऑफ ऑल इकोसिस्टम। जितने भी परिस्थिति तंत्र आपने देखा है, इकोसिस्टम देखा है, उसमें सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल विभिन्नताएं, अलग अलग जीव जंतु, मिट्टी पानी कहीं अगर मिलता है, वेजिटेशन अगर मिलता है, पेड़ पौधे मिलती है, तो इसी वेटलैंड में मिलती है। ठीक है, और दो ये आपको ये जो कलर है आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2018, जिसकी थीम क्या थी, वेटलैंड्स फॉर अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर, वेटलैंड्स फॉर अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। चलिए अगला डेट है वो है आपका 21 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं विश्व वन दिवस, यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस समय 2018 में इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज। हालांकि ये जरूरी नहीं है, उतनी डेट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो पढ़नी है। द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे या द वर्ल्ड फॉरेस्ट डे वॉज एस्टेब्लिश्ड, ये हुआ था 1971 को at the 23rd General Assembly of European Confederation of Agriculture, and it was decided to celebrate it, to be celebrated as an annual event, ki har saal isko manaya jayega 21 march ko by the kiske dwara, UNFAO se kehte hain, yani ki United Nations Food and Agricultural Organization se UNFAO kehte hain, iski full form puchi ja sakti hai kyunki paryavaran se juda hua hai। Forest jo hota hai बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्लेज अ ग्रेट रोल, किसमें, गैदरिंग एंड रिलीजिंग द वाटर ऑन द अर्थ, यानी कि पानी को इकट्ठा करना और उसी पानी को जरूरत के हिसाब से पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना प्राकृतिक रूप से, एंड फ्लोरा एंड फाउना हैबिटेट बैलेंस, यानी जो पेड़ पौधे जीव जंतु उस वातावरण में रहते हैं, हर एक को जल की जरूरत है, हमें और आपको भी जल की जरूरत है, इसलिए हमारे अगल बगल वाटर के टैंक बनाए जाते हैं और प्रॉपर पाइप सिस्टम के जरिए जो हर एक घर में उनकी जरूरत के हिसाब से, जिस तरह से हमारे अस्तित्व के और सर्वाइवल के लिए पानी की जरूरत है, ठीक उसी तरह से ये जो फॉरेस्ट होता है ये फ्लोरा एंड फाउना को, यानी कि एनिमल प्लांट्स एंड एनिमल्स को उनकी जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया कराता है, ताकि उनके जो निवास स्थान है वहां बैलेंस रह सके। फॉरेस्ट आर द नेचुरल ब्यूटी ऑन द अर्थ, इज वेरी नेसेसरी टू बी कंजर्व टू गो एवरीथिंग इन बैलेंस। वन जो होता है यानी कि जो हमारी जो जंगल है, ये हमारे पृथ्वी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि पूरे जीव जंतुओं के अस्तित्व और उनके जीवन के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे डे है 21 के बाद कौन सा डे है, 22 मार्च, यानी कि 21 को हम मनाते हैं फॉरेस्ट डे, एक दिन बाद मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे, यानी कि विश्व जल दिवस। और इसके ऊपर मेरी पूरी एक क्लास है जो 5 नंबर की मेरी क्लास है, फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट लेसन नंबर 1, और उसमें और 4 लेसन मैंने ऐड किए थे, क्योंकि पांचों के लेसन जो है ना WB TET के सिलेबस में है और पांचों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है लाइक अ फूड वेब, तो उनको साथ में पढ़ाना जरूरी था। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे जो है एक एनुअल इवेंट है जो 22 मार्च को मनाया जाता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। और द डे फोकसेस अटेंशन, किस बात पे फोकस करता है, कि जो फ्रेश वाटर का जो इंपॉर्टेंस है, जिसके लोगों के पास एक्सेस बहुत कम है पीने के लिए पानी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेस, इस पे जोर देता है। किस तरह से, क्योंकि पूरे पृथ्वी में जितना पानी है ना, उसका सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर है, और उस 3% का 1/3 यानी कि 1% ही हम एक्सेस कर पाते हैं। उसमें भी फूड, उसमें भी जो है वाटर स्कैर्सिटी, वाटर बॉर्न डिजीजेस, बहुत सारी समस्या है। और दिस डे फॉर्मली प्रपोज्ड इन एजेंडा 21, ये कब ये प्रपोज किया गया था, एजेंडा 21 में, कब, ऑफ द 1992 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो। इन 1993 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डेजिग्नेट द फर्स्ट वर्ल्ड वाटर डे, एंड सिंस देन ईच ईयर फोकसेस ऑन अ डिफरेंट इशू, हर साल इस डे को अलग अलग इशू में किया जाता है। जैसे कि 2018 का इशू था नेचर फॉर वाटर, प्रकृति के लिए पानी। आगे है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल जो हमारी प्यारी जो पृथ्वी है उसका दिवस मनाया जाता है। और द आइडिया फॉर अ नेशनल डे टू फोकस ऑन द एनवायरनमेंट केम टू अर्थ अर्थ डे, फाउंडर कौन था, गेलफोर्ड नेल्सन, देन अ US सीनेटर, कहां से, विस्कॉन्सिन से, आफ्टर विटनेसिंग द रैवेजेस ऑफ द 1969 मैसिव ऑयल स्पिल इन सांता बारबारा कैलिफोर्निया। सांता बारबारा कैलिफोर्निया में जब 1969 ने बहुत बड़ी मात्रा में तेल जो है एक्सट्रैक्ट करते वक्त जो तेल जो समुद्र में फैल गया था, और इससे जो प्रकृति को, पृथ्वी को जो बहुत नुकसान हुआ था, इसी से गेटफर्ड नेल्सन ने इसकी जरूरत कहनी कि हमें एक अर्थ डे मनाना चाहिए। 1970 यानी कि ठीक इसके एक साल के बाद, अ ग्रुप ऑफ पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गॉट टूगेदर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड टू द प्रॉब्लम्स बीइंग कॉज्ड टू द अर्थ ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। यानी हम लोग
आधुनिकरण की तरफ आगे जा रहे हैं, इतना आधुनिकरण कर रहे हैं, अंधा आधुनिकरण यानी कि ब्लाइंड मॉडर्नाइजेशन, और इससे हमने पूरी पृथ्वी को रिस्क पे डाल दिया है। पृथ्वी पे हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी के ठीक नीचे से उसकी जमीन को खाली कर रहे हैं। क्या होगा, एक दिन धड़ल्ले से सब कुछ ऊपर से नीचे गिर जाएगा, पृथ्वी के दो टुकड़े कई टुकड़े हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, ना मॉडर्नाइजेशन, ना ही आप और हमारे ऐसे मॉडर्न लोग। While this 22nd Earth Day was focused on the United States, an organization launched by Dennis Hayes, who was the original national coordinator in 1970, took it international. 1990 में इसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पे ले गए, and organized events in 141 nations, और 141 देशों में इस इवेंट को मनाया गया। जैसे कि 2018 की अगर हम बात करें तो उस समय अर्थ डे का थीम क्या था, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या था, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने पढ़ा दिया है लेसन नंबर वन में, 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यानी कि हमारे पर्यावरण में क्या नहीं है, फ्लोरा है, फाउना है, प्लांट्स है, एनिमल है, डिकम्पोजर, फंगाई, अलगे, है ना, हर चीज, इंसान, क्रिएचर, सब कुछ है, पक्षी, सब कुछ है। इतना बायो हमारा जो एनवायरमेंट है वो इतना बायोडाइवर्स है। 22 मई को मनाया जाता है इस जैव मंडल को बचाने के लिए, द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी या वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे जो है, इज अ यूनाइटेड नेशंस सैंक्शनड इंटरनेशनल डे फॉर द प्रमोशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इशू, यानी जैव मंडल से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं, हमारे पर्यावरण जुड़े हुए जितने मुद्दे, हमारे वन हो, हमारे पृथ्वी हो, उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने के लिए, इट इज करेंटली हेल्ड ऑन 22 मई को। 2017 की बात करें, करंट वाला भी मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। 2017 की बात करें तो 2017 में जो है इसका जो थीम था वो था बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, क्योंकि इससे एक फाइनेंशियल गेन भी होता है लोगों को, लेकिन बायोडायवर्सिटी को इसलिए बचाया जाए ताकि लोग इसको देख सके, अगली पीढ़ी इसको देख सके। आगे है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 5 जून तो पता ही है, विश्व एनवायरमेंट डे जो है 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन को 1972 में जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट हुआ था स्वीडन में, एंड देर वॉज अ लार्ज गैदरिंग, बहुत भीड़ हुई थी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पीपल ने अपना अपना चिंता व्यक्त किया था जो एनवायरमेंटल के एनवायरमेंट के जो प्रॉब्लम है ये बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो एयर हो, लैंड हो, वाटर हो, सारे पोल्यूट हो जा रहे हैं। द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जिसे हम लोग वेड कहते हैं, WED, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, WED के फ्लो क्या है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज द यूनाइटेड नेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर एनकरेजिंग वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस, क्या है, जागरूकता फैलाने के लिए पूरे विश्व में, है ना, एंड एक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, और हमारे पर्यावरण को हम बचाए कैसे, इसके लिए लोगों को जागरूक करना। चूंकि 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी, अब ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है लोगों के लिए, और 100 से भी अधिक देशों में 5 जून को जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 2018 की थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अब प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में वीडियो नंबर 6 यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट में हमने पूरी तरह से पढ़ा दिया है थ्योरी। वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। पूरे जीवन की सृष्टि ही महासागर से हुई है, जल से हुई है, तो वर्ल्ड ओशियन डे जो है 8 जून को हर साल मनाया जाता है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है अनऑफिशियली सिंस ओरिजिनल प्रपोजल 1992। 1992 में पहली बार इसका प्रपोजल आया था, अनऑफिशियली इसको मनाया जा रहा था 8 जून को बाय द कैनेडाज इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशियन डेवलपमेंट, दैट इज ICOD, एंड द ओशियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैनेडा OIC, एट द अर्थ समिट UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCED इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ठीक है। तो ये एक एनुअल ऑब्जर्वेशन है, किस लिए, टू ऑनर, सम्मान देने के लिए, रक्षा करने के लिए और कंजर्व करने के लिए हमारे विश्व के महासागरों का, जो जल का बहुत बड़ा स्रोत है इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ क्राइसिस फॉर अस, फॉर आवर कमिंग जनरेशन। नाउ द ओशियन प्रोवाइड्स अस विथ मेनी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, ओशियन से बहुत कुछ मिलता है, हमने कहा जीवन की शुरुआत ही यहीं से हुई है, ऑक्सीजन, क्लाइमेट रेगुलेशन, फूड सोर्सेज, मेडिसिन और क्या नहीं, फ्यूल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, एवरीथिंग, फिश, हर चीज मिलता है। वर्ल्ड ओशियन डे ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू टेक पर्सनल एंड कम्युनिटी एक्शंस टू कंजर्व द ओशियन एंड रिसोर्सेज, हमारी जिम्मेदारी है, ना केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक रूप से जिम्मेदारी है कि हम अपने समुद्रों को और उसके जीव जंतुओं को, मरीन इकोसिस्टम को मरने से बचाएं। 2018 में जो थीम थी वो थी प्रिवेंटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन,
काफी बर्निंग टॉपिक है। लोग टूरिस्ट बन के जाते हैं या हम लोग जाते हैं और वहां पर जो भी हम सामान यूज करते हैं उसको हम लोग समुद्र में फेंकते हैं, प्लास्टिक में फेंकते हैं, और उसी प्लास्टिक के जाल में जानवर लोग फंस के दम घुट के मर जाते हैं। मरीन इकोसिस्टम पूरा बर्बाद नेस्तनाबूत हो जा रहा है। कछुआ जो है प्लास्टिक के थैले में उसका पूरा सर जो है फंस गया है, तार बन गया है। लोग कितने रील्स में आप देखते होंगे लोगों को, सांप को या बत्तख को या समुद्री जीव को, व्हेल को या फिर शार्क को, उसके मुंह से गर्दन से जो रस्सी को बाहर निकाल रहे हैं। इस तरह की परिस्थिति हो गई है। सो प्रिवेंटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन एंड एनकरेजिंग सॉल्यूशंस फॉर अ हेल्दी ओशियन, की एक समुद्र को स्वस्थ कैसे बनाएं। 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी विश्व जनसंख्या दिवस, ये मनती है 11 जुलाई को। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज एन एनुअल इवेंट ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 11 एवरी ईयर, व्हिच सीक्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इश्यूज। जो विश्व की जनसंख्या जो तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एस्टैब्लिश द इवेंट इन 1989 में एस्टैब्लिश किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 2018 में जो उसका थीम था, फैमिली प्लानिंग इज अ ह्यूमन राइट, कि परिवार नियोजन करना मनुष्य का एक अधिकार है। कि आप देखें कि आपका फैमिली प्लानिंग में कितने बच्चे जो हैं जिसको आप पाल पोस के बड़ा कर सके, जिससे हमारे देश की जनसंख्या इस तरह से ना बढ़े कि अपने ही रिसोर्सेस हमको पूरे ना पड़े और नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो कुछ बचे ही नहीं। क्योंकि आज जो क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम जो आज हमारे पास है वो केवल 47 साल तक ही रहेगा अगर हमने कोई उसका अल्टरनेट सोर्स नहीं खोजा। अगर नहीं खोजा तो 47 साल के बाद जो हमारी पीढ़ी आएगी उनके लिए फ्यूल तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 16 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन के बारे में क्लास 5 में हमने पूरी डिटेल से पढ़ा दिए कि ओजोन क्या होता है, ओजोन का डिप्लीशन कैसा होता है, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, इसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे है। क्लास मैंने इसके ऊपर पूरी ले ली है। अब क्लास नंबर ये आपको सिर्फ ऐप पे अवेलेबल है, क्लास नंबर 5 2023 के ईवीएस फोल्डर में, सबसे लास्ट वाला फोल्डर है, 23 के फोल्डर में जाइएगा, ईवीएस के वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो है ग्रीन कंज्यूमर डे, ठीक है, हरित उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर को मनाई जाती है। द ग्रीन कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 28 सितंबर एवरी ईयर एंड इट हाईलाइट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। यानी कि आप और हम जो चीजें उपभोग करते हैं अपने अपने लिए, खाते हैं या शरीर पे पहनते हैं या किसी पर्पज के लिए हम चीजों को यूज करते हैं, उसे कंजम्पशन कहते हैं। और इस कंजम्पशन का हमारे एनवायरनमेंट पे किस तरह का असर पड़ता है, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये इसके लिए ये डे मनाया जाता है। दिस इज एन एरिया ऑफ मेजर कंसर्न इन टुडेज ग्लोबल मार्केट ओरिएंटेड वर्ल्ड। दिस डे फोकसेस प्राइमरीली ऑन अवेयरनेस रेजिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग एंड रिड्यूसिंग वेस्ट मटेरियल। अब यहां पे जो लिखा हुआ है रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, रिड्यूसिंग, जिसे हम लोग 3R कहते हैं, और हमने क्लास नंबर 6 में हमने क्या पढ़ाया है, हमने आपको पढ़ाया है वेस्ट मैनेजमेंट, हमने आपको पढ़ाया है वेस्ट मैनेजमेंट। और यहाँ पे ये सब कुछ मैंने डिटेल से बता दिया है। जैसे कंज्यूमर जो होता है, जो समवन हु इज वेरी कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट एंड दे वो ओनली परचेस प्रोडक्ट्स दैट आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली और इको फ्रेंडली, यानी हमें वही सामान खरीदना चाहिए जो हमारे पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली। जैसे कि आप फ्रिज यूज करते हैं, आप एसी का इस्तेमाल करते हैं, ये जो गैस पैदा करते हैं ये हमारे ओजोन के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। बहुत सारे देशों में तो एसी बैन कर दिया गया, जैसे कि भूटान में एसी बैन है। आपको वही वाला एसी अलार्म रहेगा जो एसी वो लोग रेकमेंड करेंगे, ताकि बहुत ही लीस्ट इफेक्ट पड़े, क्योंकि भूटान का 60% से भी अधिक हिस्सा वन में रखा गया, जंगल बनाकर रखा गया, इसलिए वहां की इतना फ्लरिश हो रहा है वहां की आबादी, और पॉपुलेशन भी उतनी नहीं है। वर्ल्ड हैबिटेट डे जो होता है, विश्व निवास दिवस जो होता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म के दिन ठीक पहले। द अर्थ इज द हैबिटेट ऑफ नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट आल्सो ऑल लिविंग क्रिएचर्स। इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटी इज threatening the habitat of other living things. To highlight the fact, World Habitat Day is observed every year on the first Monday of October. अक्टूबर के पहले सोमवार को, तो वह 1 अक्टूबर हो या जो भी हो, अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन इन 1986 बाय द यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन ने 1986 को सबसे पहले मनाया गया था। ये देखिए, पृथ्वी जो है वो केवल आपका घर नहीं है, इंसान के लिए नहीं है, पेड़ पौधों के लिए भी है, जानवरों के लिए भी है, ऑर्गेनिजम्स के लिए भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस, सबके लिए है कि नहीं। तो ये सबके लिए है और सबकी जिम्मेदारी है कि हर कोई अपने आवास को सुरक्षित रखते हुए दूसरे के आवास को हानि ना पहुंचाए। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर याद रखिएगा। विश्व क्या कहते हैं, पशु
कल्याण दिवस जो है 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे किस तरह से हम अपने इकोलॉजी को हम लोग संभाल के रख सके, उसको रक्षा कर सके, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है यानी ऐसे स्पीसीज जो आज खतरे के कगार पे है। और इसके ऊपर मैंने जो मेरी जो क्लास नंबर 5 थी EVS की, वहाँ मैंने ये बताया है कि जब आप एनवायरमेंट से खिलवाड़ करते हैं तो आपके आंखों के सामने ऐसे ऐसे एग्जॉटिक एनिमल्स और पेड़ पौधे जो आपके पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी थे, किस तरह से वो एक्सटिंक्ट हो गए, एंडेंजर्ड भी नहीं खत्म हो गए, जैसे कि इंडियन लेपर्ड हो गया, पिंक हेडेड डक हो गया, इसके अलावा अराकस हो गया, ठीक है, उसके बाद अलावा आपका सुमात्रन, आपका राइनोसोरस हो गया, जो हमारे देश में थे, इसी कारण सब कुछ खत्म हो गया। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को ध्यान रखें। 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वाइल्ड लाइफ वीक, यानी कि वन्य परिवहन दिवस जो है मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ वन्य दिवस मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर टू ओरिएंट द कॉमन मैन टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि हमारा आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि पशु पक्षी जो है किस तरह से हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी है, पूरे एक इकोलॉजिकल सिस्टम को ऊपर से नीचे काम सही हो, नीचे से ऊपर काम सही हो, सूर्य से मिलने वाली एनर्जी एक प्रोसेस से पिरामिड से होते हुए प्रोड्यूसर से होते हुए कार्निवोरस या कंज्यूमर तक चले जाए, इस चीज को मेंटेन करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति को ये अवेयरनेस जागरूकता दी जाए, वो आप कौन सा काम करें जिससे आप जो हमारे जो जीव है, जो वाइल्ड लाइफ है, इसको हम प्रिजर्व कर सके। आज नेशनल पार्क्स है, सेंचुरीज है, बोटानिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है, जीन बैंक है, पायरोजेनिक बैंक्स है, यहाँ पे हम पेड़ पौधे वाइल्ड लाइफ के जीन्स को सुरक्षित रखते हैं, टिश्यू को सुरक्षित रखते हैं, DNA सैंपल को सुरक्षित रखते हैं, ताकि आने वाले जनरेशन के लिए इसको उपलब्ध कराया सके। तो इसलिए जरूरी है कि आप अवेयर हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं हमारे जो एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं इसको देखने के लिए, कि देखिए जो एनवायरमेंट मूवमेंट जितने भी हुए हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी आंदोलन हुए हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर भी एक क्लास आ रही है, जो क्लास नंबर 8 में आएगी, मे बी 8, 9 और व्हाटएवर इट इज, ठीक है, जो आपके कोर्स में है। तो नेचुरल रिसोर्सेस को किस तरह से सस्टेनेबली हम यूज करें, अपने लिए भी, अपने हिस्से का, और आने वाले लोगों के लिए भी हम बचा के रखें। ये मूवमेंट इस बात पे जोर दे रहा था कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पब्लिक पॉलिसी, यानी कि लोगों को जागरूक करें, लोगों को स्किल्ड बनाएं, लोगों को ट्रेन करें, बताएं किस तरह से आप जो है अपने एनवायरनमेंट को, जिसने आपको जीवन दिया है, खाने की चीजें दी हैं, आपका पेट भर रही है, आपके जीवन का विकास करिए, आपके पीढ़ी का विकास करिए, उसे ही आप मार दोगे क्या? मेनी मूवमेंट्स आर सेंटर्ड ऑन इकोलॉजी, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट, और इनमें से बहुत सारे मूवमेंट ऐसे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट यानी कि पारिस्थितिक तंत्र, एक्वाटिक इकोलॉजी हो या लैंड इकोलॉजी हो, हाइड्रो इकोलॉजी हो, हमारा स्वास्थ्य हो, ह्यूमन राइट्स हो, इसके ऊपर बनी है। द स्पेशल स्कोप ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल मूवमेंट्स रेंज फ्रॉम बीइंग लोकल टू द ऑलमोस्ट ग्लोबल, और ऐसे ऐसे आंदोलन हुए हैं जो शुरू तो हुए थे लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे, बाद में इसने अंतर्राष्ट्रीय रूप भी ले लिया और काफी ख्याति भी मिली और असर भी हुआ। तो एनवायरमेंट मूवमेंट क्या है? एन एनवायरमेंटल मूवमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सोशल, एक सामाजिक और एक राजनीतिक आंदोलन कह सकते हैं। किस लिए? सुरक्षा के लिए, कंजर्वेशन के लिए, रक्षा करने के लिए, किसकी? एनवायरनमेंट की, और इंप्रूवमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट, या हमारे राज्य, हमारे देश में जो पर्यावरण है, जो भी एनवायरनमेंट है, उसको कितना बेहतर कर सके। इसमें बहुत सारे एनवायरनमेंट के बारे में हमको पढ़ना होगा। इसमें बिश्नोई मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट है, जंगल बचाओ आंदोलन, अपिको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट, गंगा आंदोलन जो फेल हो गया था, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बिश्नोई मूवमेंट के बारे में पढ़े तो 1730 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, प्लेस था खेजराली, मारवाड़ रीजन, राजस्थान। इसकी लीडर के नाम क्या था? अमृता देवी, और उसके साथ कई सारे गांव वालों को लेके उन्होंने ये बिश्नोई मूवमेंट शुरू किया। एम था कि जो हमारे जो पवित्र जो पेड़ है, जो सेक्रेट पेड़ है, इसे काटने से रोका जाए, क्योंकि उस समय वहां के जो राजा महाराजा थे वो जंगलों को, वनों को काट के ज्यादा जमीनें लेके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, और इसके लिए वहां पे पेड़ों को काटा जा रहा था, फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय द किंग सोल्जर, ताकि राजा के सैनिकों के द्वारा इसे काटने से रोका जा सके, जो कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से कितने बहुत सारे, मतलब 300 से भी अधिक इसमें शामिल हुए लोगों ने अपना सर कटाया है, अपना बलिदान दिया है पेड़ों को कटने से बचाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अंबेजा देवी कौन थी? एक फीमेल विलेजर, could not bear the witness the destruction of the both her faith and the village's secretaries. उनको इस बात से बहुत ही परेशानी हो रही थी कि केवल उनका विश्वास ही नहीं बल्कि उनके पवित्र पेड़ों को भी काटा जा रहा था, जिससे आप और हमारी जिंदगी है ना।
She hugged the trees and encouraged others to do the same. 363 बिश्नोई विलेजर्स वर किल्ड इन दिस मूवमेंट. और उन्होंने जाके पेड़ों को अपने से पेड़ों से गले पेड़ों गले लगा देती और सभी को कहते कि तुम पेड़ से गले मिल ताकि लोग पेड़ काट ना सके. फिर भी 363 बिश्नोई विलेज के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया. द बिश्नोई ट्री मार्टियर्स जो शहीद थे वे इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ इनको इसकी शिक्षा जो प्रेरणा थी वो गुरु महाराज जामा जी से मिली थी जिन्होंने फाउंडेड द बिश्नोई फेथ इन 1485 जिसने बिश्नोई जो धर्म का विश्वास है उसने जागरूक किया था 1485 ईस्वी में एंड सेट फोर्थ प्रिंसिपल फॉरबिडिंग हार्म टू ट्रीज एंड एनिमल. उन्होंने ऐसे सिद्धांत बनाए थे जिस सिद्धांत के अनुसार हम जानवरों और पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते. द किंग हु केम टू नो अबाउट दिस इवेंट्स रश्ड विलेज एंड अपोलोजाइज्ड ऑर्डिनेंस वाज सीज एंड लॉगिंग. तो जब राजा को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने सैनिकों को ऐसा करने से रोका और इसके लिए बिश्नोई गांव से पूरे गांव वालों से जो है इसकी माफी भी मांगी. और इसके बाद महाराजा ने जो है उसने क्या किया कि इसको एक बिश्नोई स्टेट जो है इसको एक प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया एंड दिस लेजिस्लेशन स्टिल एग्जिस्ट टुडे इन द रीजन. और आज भी उस गाँव में ये नियम कानून आज भी लागू है. ठीक है, चलिए इसके बाद है चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट आप लोगों को पता ही है 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी. था चमोली नाम का गांव, ठीक है, एंड लेटर एट टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. चमोली शुरू होते हुए टेहरी गढ़वाल तक. लीडर थे इसके सुंदरलाल बहुगुना. एम क्या था? टू प्रोटेक्ट द ट्रीज ऑन द हिमालयन स्लोप, हिमालय की पर्वत की पहाड़ियों पे जितने भी वन्य हैं, जीवन है, पेड़ पौधे हैं, उन्हें जो है कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द फॉरेस्ट जो कि वन का जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं काम करने के लिए उनके द्वारा पेड़ों को काटे जाने से रोकने के लिए चिपको, यानी कि सभी लोग जो है नाम से ही जाहिर है कि लोग जो जाके पेड़ों से चिपक जाया करते थे. ये देख रहे हैं, ये उसी गांव का एक दृश्य है जहां पे देख सकता है किस तरह लोग जो है पेड़ों से उसे कटने से ये कम से कम हजारों सालों से ये पेड़ यहाँ पे होगा जो लोगों को जीवन देता आया है. ऐसे पेड़ों कौन कटने देता है? ठीक है, सो मिस्टर बहुगुना जो बहुगुना है उन्होंने पूरे गांव वालों को एनलाइटन किया, बताया कि पेड़ों के इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये मिट्टियों को कट के बहने से रोकती है ना, इसके जरिए बारिशें होती है, ये हमें शुद्ध हवा देती है, मिट्टी को कट के बहने से रोकने से बाढ़ से हमारी रक्षा करती है. तो जो अडवाणी टेहरी गढ़वाल में अडवाणी गांव के जो महिलाएं थी टाइट द सेक्रेट थ्रेड, वो पेड़ के चारों ओर ट्रंक जो धड़ होती है उसके चारों ओर पवित्र धागा बांधती थी और उससे चिपक जाया करती थी उसको, मतलब उसको अपने बाहों में ले लेती थी और इसलिए इसको चिपको मूवमेंट कहते हैं, यानी कि हग द ट्री मूवमेंट, यानी पेड़ों को गले लगा लो. और जो मेन डिमांड था वहां के लोगों का वो ये कि जो जंगलों से जो हमें इतना लाभ मिल रहा है, लोगों को इतना लाभ मिल रहा है, इसको कटने से बचाया सके. और उस समय के स्टेट के चीफ मिनिस्टर हेमवती नंदन बहुगुना, इन्होंने एक कमेटी बनाई ताकि इस मैटर की जांच हो सके. ठीक है, और अंत में जो फैसला आया वो गांव वालों के पक्ष में आया और दिस बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री इको डेवलपमेंट स्ट्रगलर्स इन द रीजन एंड अराउंड द वर्ल्ड. सभी लोगों को इसे बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिली. अगला है जंगल बचाओ आंदोलन, जो कि 1982 में शुरू हुआ था. प्लेस था सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार और इसके लीडर थे द ट्राइबल्स ऑफ सिंहभूम. सिंहभूम में रहने वाले जो वहां के आदिवासी जनजाति के जो लोग थे वो इसके लीडर थे. एम था अगेंस्ट गवर्नमेंट डिसीजन टू रिप्लेस द नेचुरल साल फॉरेस्ट विथ टी, कि उन्होंने फैसला लिया था कि वहां पर जो प्राकृतिक रूप से जो साल के जो पेड़ है, ठीक है, उसको टीक से रिप्लेस कर दे, यानी उसे काट के हटा के वहां पर टीक बोया जाए. ठीक है, इसे खिलाफ थे. तो देख सकते हैं किस तरह के वहां के सिंह, बिहार के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के वहां के लोगों ने अपने हाथों में इस तरह से हथियार लिए हुए थे, डंडे लिए हुए थे, बचाने निकल पड़े थे. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है. तो सिंहभूम ट्राइबल के जो वहां के जो लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया प्रोटेस्ट व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस द नेचुरल साल फॉरेस्ट विद द हाईली प्राइस टीक, कि वो नेचुरली जो साल के वन जो वहां पे थे उसको बहुत ज्यादा कीमत वाले टीक से रिप्लेस किया जाए, यानी कि एक तरह का एग्रीकल्चर किया जाए ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो. और इसी मूव को बहुत लोग कहते थे ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, यानी कि जो राजनीतिक नेता है, जो राजनीतिक प्रणाली है उनके लालच से भरा हुआ कदम. लेटर दिस मूवमेंट स्प्रेड टू झारखंड एंड ओडिशा. बाद में ये जो आंदोलन है ये बिहार के सिंहभूम से निकल के झारखंड और ओडिशा तक फैला. इसके बाद है अपिको मूवमेंट, जो कि ठीक एक साल के बाद 1983 में शुरू हुआ. उत्तरा कन्नड़ा एंड शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट में शुरू हुआ. लीडर्स थे पांडुरंग हेगड़े
और इसका एम था अगेंस्ट द फेलिंग एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड द रुइन ऑफ एनिशियंट लाइवलीहुड, यानी कि व्यापार के लिए, इंडस्ट्री के लिए जिस तरह से वन्य जीवन को बर्बाद करके पूरी एक सिविलाइजेशन को खत्म किया जा रहा था, लोगों का जीविका, वहां के लोगों का ईंधन, जीवन, खान पान सब कुछ फॉरेस्ट के ऊपर था, इसको कमर्शलाइजेशन होने से बचाने के लिए ये अप्पिको मूवमेंट था। ये भी एक तरह का चिपको मूवमेंट की तरह ही है, ठीक है। और इस तरह के देखिए अप्पिको मूवमेंट में किस तरह से लोग पेड़ों को अपने गले से लगा लिया करते थे। कभी एक पेड़ लगा के देखिए, 20 साल उसे पाल कर देखिए, अगले जनरेशन तक, आप ही के जनरेशन में, अगले जनरेशन के लिए भी जब उसे फल लदे होंगे, उस फल का जो मिठास आपको, जब मजा आएगा तो आपको मेहनत का फल मिलेगा। अगली सुबह जब उठे और पता चले किसी ने ईर्ष्या से उस पेड़ को जड़ से ही काट दिया है, कैसा लगेगा आपको सोचिए जब आप पेड़ काटते हैं। इट इज द सदर्न वर्जन ऑफ द चिपको मूवमेंट, दिस वॉज लोकली नोन एज अप्पिको चौलावली। तो चिपको मूवमेंट का ही एक वर्षन था कर्नाटका में, जिसे वहां पे अप्पिका चलुवली कहते हैं। वहां के जो लोकल से वहां पे जो थे, वहां पे जो लोग कॉन्ट्रेक्टर आते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से काटने के लिए, वो पेड़ों को अपने गले लगा लिया करते थे। एंड दे यूज्ड वैरायटी टेक्निक्स टू रेज अवेयरनेस, जैसे कि फुट मार्च, पैदल निकल पड़ना, स्लाइड शोज, फॉक डांसेस, स्ट्रीट प्लेस का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। द सेकेंड एरिया वॉज टू प्रमोट एफॉरेस्टेशन ऑन डेन्यूड, और दूसरा उनको यह कहना यह था कि जिस एरिया में कुछ मैंने जमीन खाली है वहां पे हम लोग फॉरेस्ट क्रिएट करके देंगे। लेटर इज फोकस्ड ऑन द रैशनल यूज ऑफ इकोस्फेयर थ्रू इंट्रोड्यूसिंग अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स, रिड्यूस प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट, और जंगलों पर दबाव बढ़े, जंगल का कॉमर्शलाइजेशन हो, इसे रोकने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता जो है खोजा गया ताकि एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके। द मूवमेंट बिकेम अ सक्सेस, मूवमेंट सफल रहा, द करंट स्टेट ऑफ द प्रोजेक्ट इज स्टॉप, अब ये प्रोजेक्ट जो है रुक गया है। इसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो आपको तो पता ही है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो NBA, जो मेधा पाटकर नाम भी यहीं से उभर कर जो है सामने आया था, काफी इंपॉर्टेंट जो है ये मूवमेंट रहा है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में, ठीक है। प्लेस था नर्मदा रिवर फ्लोस टू द स्टेट्स ऑफ गुजरात, जो नर्मदा नदी है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। लीडर थे मेधा पाटकर, बाबा आमटे और वहां के आदिवासी लोग। एम था अ सोशल मूवमेंट अगेंस्ट अ नंबर ऑफ लार्ज डैम्स बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी के पानी को रोक के वहां पे जगह जगह पे जो बांध बना के इकोसिस्टम को बर्बाद किया जा रहा था, वहां के रहने वाले लोगों को, आदिवासियों के जनजीवन को खतरे में डाला जा रहा था, नदियों को बर्बाद किया जा रहा था, इसे रोकने के लिए मूवमेंट था, ठीक है। देख सकते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के ऊपर काफी कुछ आप यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, अवेलेबल है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम देखें, द मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड एज अ प्रोटेस्ट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट फॉर द पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी बनने के बाद, इसके बनने से जो जिन लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, बेघर हो गए, उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जब उनको रहने के लिए कोई निवास स्थान नहीं दिया गया, तब पहली बार ये आंदोलन शुरू हुआ। बाद में द मूवमेंट टर्न्ड इट्स फोकस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड द इकोसिस्टम ऑफ द वैली। बाद में यही आंदोलन जो है वहां के पर्यावरण की रक्षा, वहां के वैली यानी खाड़ियों की रक्षा के लिए, इकोसिस्टम को बचाने के लिए मूव कर गया। एक्टिविस्ट ऑल्सो डिमांडेड द हाइट ऑफ द डैम टू बी रिड्यूस, और उन्होंने ये भी कहा कि जो डैम की जो हाइट है, ठीक है, वो 88 मीटर की जाए, जो कि हाइट थी बनाने की 130 मीटर। अक्टूबर 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया अप्रूविंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम विद द कंडीशन दैट हाइट कुड नॉट बी रेज्ड टू 90 मीटर। उन्होंने कह दिया कि ठीक है, 90 मीटर से अधिक हाइट जो है डैम की नहीं होनी चाहिए। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी फुल्ली कंप्लीटेड बाय 2025, और माना जा रहा है कि 2025 तक ये पूरा प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। टेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो जो फसाद हुआ था, झगड़ा हुआ था टेहरी डैम, जो आंदोलन था 1990 की बात है, और ये भागीरथी रिवर जो टेहरी में है उत्तराखंड में, वहां का है। लीडर था सुंदरलाल बहुगुना, और एम था अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाउन इनहैबिटेंट्स एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वीक इकोसिस्टम। बोला अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाउन इनहैबिटेंट, यानी कि नगर शहर, वहां पे नगरों में रहने वाले, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, और किस वहां के इकोसिस्टम को, एनवायरमेंट को, जंगलों को काट के, जंगलों को बर्बाद करके, कमर्शियलाइजेशन करके वहां पे जो लोगों को वहां से बेघर किया जा रहा था, इसके खिलाफ। यानी आप मिला जुला को देखें, जितने भी मूवमेंट है वो ज्यादातर एनवायरमेंट, पेड़ पौधे, फॉरेस्ट, वाटर से ही जुड़े हुए हैं।
तो आंसर देना काफी आसान हो जाएगा इस तरह से, बड़ बांध बंद करो, नदियों को अविरल बहने दो, माटू जनसंगठन इस तरह से जो है वहां पे आके आंदोलन कर रहे थे। टेहरी डैम अट्रैक्टेड नेशनल अटेंशन इन द 1980 और 1980 और 1990 के दशक में अंतरराष्ट्रीय तौर पर लोगों के नजर में आया। द मेजर ऑब्जेक्शन इंक्लूड साइस्मिक सेंसिटिविटी ऑफ द रीजन, वहां पे भूकंप जोन था, भूकंप के झटके काफी आते थे। सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट एरियाज अलोंग विद टेहरी डैम, तो इस तरह से क्या होता था, टेहरी डैम के साथ, टेहरी टाउन के साथ साथ पूरा फॉरेस्ट एरिया भी गर्भ में जाने का पूरा खतरा था। डिस्पाइट द सपोर्ट फ्रॉम अदर प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक सुंदरलाल बहुगुणा, द मूवमेंट हैज फेल्ड टू गैदर एनफ पॉपुलर पावर सपोर्ट एट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। लेकिन राजनेताओं और सभी का सपोर्ट मिलने के बाद भी, सुंदरलाल बहुगुणा का सपोर्ट मिलने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको उतनी पॉपुलरिटी नहीं मिली। ठीक है, तो ये जो आपने अभी तक पढ़ा, इसके अलावा गंगा बचाओ आंदोलन भी है जो काफी ज्यादा जो है फेल हो गया। आज भी दिल्ली में यमुना बहुत गंदी है, इतनी गंदी है कि वहां पे झाग बन जा रहे, इतना खतरनाक पॉल्यूशन लेवल फैल गया है। तो ये बहुत जरूरी है, ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह कैसे भी करके जो है हम इन पर्यावरण को किसी तरह से बचाएं, सुरक्षित रखें, अपने हिस्से की जिंदगी के लिए भी और आने वाले जनरेशन की जनरेशन की जिंदगी के लिए भी, उनके लिए रिसोर्सेज, वन जीवन, पेड़ पौधे, फ्लोरा फाउना, एनिमल वाइल्ड लाइफ सब उसके लिए, उनके जनरेशन के लिए रहे, ताकि वो भी इससे अपने जीवन का अस्तित्व को सुरक्षित रह सके। मैं राजेश सर आप सबसे विदा लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच।